यहाँ पे पंगे देख के ब्रिज कैंप करना मैं नहीं चाहता था, लेकिन गलती से हो जाता है। तो भाई लोग कैसे हो? तो यार वेलकम दी बैक, बैक दी वेलकम, और स्वागत है आपका एक ब्रांड न्यू पचवी के गेम प्ले वीडियो में, जहाँ पे ब्रिज पे भैया जो लड़ाई बजने वाली है, अरे पूछो ना, एक नंबर फाइट होगी, मजा आ जाएगा। और अभी आप देखो ये मैंने क्या कपड़े पहन रखे, नीचे से पोसाइडर और ऊपर से ये मैक्स आरपी का टोपा डाल दिया। अरे बेहतरीन लग रहा है, मजाक से हटके ऐसा लग रहा है कि यार ये दानव आ चुका है कोई, लेकिन ये मैक्स आरपी नहीं है। खैर मजा आएगा अभी। और आते ही शॉटगन दे दिया और डाल दी इसकी पेटी, लेकिन और है बंदे अभी। जैसे कि ये आगे बैठा पड़ा टोवी गन लेके, और मेरे पे क्या ये कट्टा और एक ऑटो वाली पिस्तौल जो काम आएगी ज्यादा अभी। अब हमारे भाई पिट गए, मेरे को जाना होगा। और इस पे कौन सी गन नहीं पड़ी है भाई, ये ले पेटी ले। यहाँ पे M4 भी पड़ी है, इस पे टॉमी गन भी पड़ी है, जो चाहे वो ये मन मर्जी से बदल बदल के चला रहा है। खैर यहाँ पे देखो मैं फटाफट रिवाइव पेलता हूँ, क्योंकि दोनों के दोनों पिट चुके थे। यहाँ से बैट बैट के गन का इस्तेमाल करके दोनों टीममेट को लपेट लिया था इसने। लेके देखो तुम्हारा भाई आता है शॉर्ट गन लेके, बिल्कुल क्लोज रेंज पहुँच के पेटी डालते इसकी। हो चुके थे 3 किल, अभी देखो मामला खाली नहीं हुआ। ये यहाँ पे बंदे उछल कूद कर रहे हैं, कुछ बंदे यहाँ टावर पे भी चढ़े हैं। मैं कोशिश पूरी कोशिश में कर रहा हूँ कि यार किसी को पेल दिया था, लेकिन गन रिलोड में चली गई। और एक जगह पे चैन से लड़ नहीं सकते, अभी जस्ट आधे सेकंड पहले मैं वहां से आया हूँ, वहां पे फिर से बंदे पहुंच गए। ये पता नहीं कौन सी टीम के हैं, पता नहीं कौन सी गाड़ी लेके आए, लेकिन आइए यहाँ पे आ चुके हैं, इनको पकड़ना पड़ेगा। मैं करता हूँ पीक लेफ्ट से, और इसी पीक के साथ एक बंदे को दबोच लिया वो रस करने के लिए स्मोक, और ये बंदा रिवाइव के अलावा सब कुछ करना चाहता है। इसको प्री फायर दे रहा है, इसको लड़ाई करनी है। अब स्मोक डाल दिया, मैं आगे बढ़ जाता हूँ, और इसे देखो इस बंदे को लड़ाई करने के कुछ ज्यादा ही खुजली पड़ी थी। ये इतना ज्यादा पागल हो जाता है लड़ाई के पीछे, ये वो कवर छोड़ के बाहर आता है, सबों के बाहर आके गोली चलाता है। अरे भैया इतने इतने ज्यादा खतरनाक क्यों हो रहे हो भाई? और ये डाली बैरल से सामने वाले की बेटी, ये नहीं कि यार जाके इसको पीछे रिवाइव दे दूं, उसको कवर से बाहर आके लड़ना है। स्मोक से बाहर पता नहीं क्या सोच के वो लड़ रहा था, ज्यादा हल्के में ले रहा होगा मेरे को। हल्के हल्के में पेटी डाल दी इसकी, और इसी के साथ देखो 5 किल हो चुके हैं। अब यहाँ से हम लोग इधर की ओर जाते हैं, बंदे जो भी थे यहाँ पे बैठे वो भाग चुके हैं, कुछ गाड़ी लेके भाग गए, और यहाँ पे जब मैं पकड़ने वाला था पीछे से वो गोली चलाते सब जा चुके हैं। ये रिकॉल वाली जगह पे गए होंगे, तो करना क्या था यार, देखो मैं भी जा ही रहा हूँ रिकॉल वाली जगह पे, और जाते जाते यहीं से लड़ाइयाँ भिड़ जाती है हमारी। नहीं होंगे ना, पर कुछ टाइम बाद, चुप कर यार, कुछ टाइम बाद बात करियो फिर। और ये बंदा उतने दूर से यहाँ पे पंगे ले रहा है, क्या आगे। और इसने अपने टीममेट रिकॉल कर लिया है। अब ये पकड़ा गया एक, बाकी है दूसरा, और ये सारे पकड़े गए। यहाँ पे 3 किल मिल गए, और इतने में ही पीछे से हमला हो गया। और मजाक सेट के यार मैं हर बार ये समझ नहीं पा रहा हूँ कि हर बार पीछे से किधर से हमला हो रहा है भाई। हर बार ऐसे सीन है, कोई आएगा पीछे से गोली देगा, मैं आगे लड़ रहा हूँ पीछे से कोई गोली देने आ जाएगा, पता नहीं इनके क्या ही सीन चलते हैं। खैर अभी देखो फटाफट भाग के हम लोग इधर आ जाते हैं। जो बाइसर वाला था उसके पेल तो दिया है मैंने, नॉक कर दिया था, लेकिन पेटी न डाली उसकी अभी। और मेरे को नहीं पता ये हमारे भाई की आवाज़ें निकाल रहे हैं, खैर वो हटाओ। देखो बाइसर वाला ढीठ आदमी है, रिवाइव होने के बाद भी वो वहाँ पे रिवाइव हो गया, उसके बाद भी मेरे से पंगे कर रहा है। खैर यहाँ से देखो मैं कोशिश करता हूँ डैमेज देने की, इनकी बग्गी फोड़ देता हूँ, ऐसी तैसी ये बग्गी लेके आए पीछे, हर बार बग्गी फोड़ देता हूँ पीछे ही नहीं आएगा ये मेरे, क्योंकि मेरे को पता है यहाँ पे रस गेम प्ले तो वो करने की नहीं। खैर देखो यहीं से मैं देख रहा होता हूँ ये लोग करना क्या चाह रहे हैं, ये लोग असल में इधर उधर भाग रहे होते। ये देखो दौड़ लगा रहे हैं बहुत कोशिश की मारने की, लेकिन गोली पहुंचती ना मेरे टाइम पे, गोली ना पहुंचती उधर। खैर इतने में ही बगल में बंदे आ गए,
और आते इसने अपने टीममेट को पकड़ लिया, पेटी डलना तय था। खैर अब देखो मेरी बारी भी है, मैं भी पेटी डालना तय कर चुका था इनकी। ये नीचे रिवाइव दे रहा है पक्का। और यहाँ पे एक बॉट के चलते जिंदगी में दुख हो चुका है, दर्द बढ़ चुका है। ये बॉट ने हमारे एक टीममेट की पेटी डाल दी डैमेज दे दे के। ये वो म्यूटेट लाया था पीछे, मारे जा रहा है बेशरम बॉट। 2 मिनट रुक जा, यहाँ पे पेटी बना ही चुका था मैं, 2 मिनट रुक जाना था बॉट ने, 2 सेकंड भी रुक जाता काम हो जाता। कह देखो अपनी ये लैम्बो बदलते हैं, रिकॉल कर देना। देखो रिकॉल टावर के बगल में पिटने का यही फायदा है, 1 सेकंड में रिकॉल हो जाएगा, दिक्कत ही ना है। कह रहा अभी देखो आ चुके हैं अपार्टमेंट पे, अरे यहाँ पे पेटी बाजी करेंगे। ये हम लोग उतरे इधर पे, दोनों अपार्टमेंट पे बंदे, वो जो पीछे है वहां पे बंदे, और यहाँ पे भी फुट स्टेप दबा के हैं। तो हाँ अभी रस कर रहा हूं मैं ऊपर पे, कोई दिख जाए तो पेटी डालू, लेकिन कोई नीचे आ गया। और इसको पता नहीं क्या शौक था, इसको नीचे आने का क्या शौक था, नीचे आता है और पेटी डलवा लेता है। खैर इसका टीममेट ऊपर ही बैठा है, जाके देखो जरा। और ये छुपा रुस्तम तो यहाँ पे गदे पीक करके बैठा होता है, यहाँ पे बहुत डैमेज दे दिया मेरे को। कह रहा देखो फर्स्ट एड पे ली, और ये बॉट था ये। और ये छुपे रुस्तम को लग रहा होता है यार ये हर बार मेरे पे छुप के हमला करेगा। पहले वहां बालकनी पे बैठा था, उसको वहां से तो कर दिया छुप के हमला, दूसरी बार बिल्कुल क्लोज रेंज आ जाता है। अरे बेटा ये क्लोज रेंज बाजी कहीं और करता, यहाँ पे पेटी डलती है। और ये कपड़े आपको कैसे लग रहे मेरे को कमेंट में जरूर बताना, मतलब आधा ऊपर से दाना भी बना पड़ा है, आधा नीचे से पोसाइडन बना पड़ा है, कैसा लग रहा है ये कपड़ा। कह रहे देखो इनके जो बाकी बंदे थे दूसरी बिल्डिंग में, शायद से नहीं क्योंकि पक्का तो नहीं पता कुछ भी, उनको पकड़ने के लिए मैं जाने ही वाला था, लेकिन ये तो भागना चालू कर देते हैं। और दिया है डैमेज बिल्कुल तबके दिया था, लेकिन बंदा पकड़ में ना, आप क्या कर सकते हैं। क्या यहाँ पे नीचे में जाता हूँ, नीचे पता चलता है एक बॉट बैठा पड़ा है। ये बॉट आके पता नहीं किस पे डीपी चला रहा है, ये क्या कर रहा था ये बॉट, या कोने में दीवार पे डीपी मार रहा है क्या। अरे बॉट पे क्या दीवार पे डीपी मार के दीवार तोड़ देगा लगता है। खैर कोई बात नहीं, उसको पहला हटाओ से, आगे बढ़ते हैं यहाँ पे रिकॉल की ओर। और यहाँ पे दोबारा से मैं ग्लिच के चलते पिटने वाला हूँ, हाँ बहाने बनाऊंगा टेंशन ना लो, आ चुका हूँ रिकॉल के यहाँ पे। ये बैठे बड़े और यहाँ पे जिस बंदे का ग्लिच हो रखा था वो मेरे को दिख चुका था इसी समय, मेरे को पता था गड़बड़ सीन होने वाले। फिलहाल ले देखो यहाँ पे उतरते फर्स्ट एड मारता हूँ, एक बंदा नॉक किया था, बढ़िया मौका रस कर देगा। और आगे आगे देखना क्या गलत सीन हो जाता है मेरे साथ, अरे ऐसे क्यों पिटाई लगाते हो मेरी, ये चीज देखो आप जरा। अब ये क्या, ध्यान से देखो, ये जो गाड़ी के ऊपर बंदा अटका पड़ा है वो उधर देख के गोली चला रहा है, गोली आके मेरे पीछे लग रही है। अरे ये क्या सीन है भाई, ये क्या मजाक बना रखा है, ये क्या है। कसम से ये ग्लिच कई बार होता है, मतलब उस बंदे को मैं अभी गोली मारूंगा भी उसको डैमेज ना होगा। तो अपने टीममेट लोग को बोलता हूँ कि भैया जरा संभाल दो, वो AKM वाले को पेल दो, नहीं तो वो मेरे को पेल के चल देगा और मेरे को दिखेगा भी नहीं। और मैं तो फटाफट भाग के आ गया यहाँ पे। और ये छोटा कमरा बहुत ही ज्यादा गलत है क्योंकि नेट कहाँ नेट कर रहे हो। अब यहाँ पे डैमेज दिया है बराबर, जरा रिलोड कर लूँ ये बात। ये गया एक तो पकड़ा गया, और ये पकड़ा गया दूसरा भी। इनकी ऐसी तैसी बिल्कुल घेर के पेलने की कोशिश कर रहे हैं। और क्या है ग्लिच आपके साथ भी हुआ है कि यार ज्यादातर ऐसा होता है बंदा गाड़ी के ऊपर दिखता है वो गाड़ी पे अजीब तरीके से बैठा हुआ दिखता है, लेकिन आप गोली मारो लगती नहीं है, कई बार हो चुका है मेरे साथ। तो कह रहा भी अकेले बच गए, दिक्कत की बात ना है, लूट उठा लेता हूँ ये बात।
और यहाँ पे ये बेशरम लोग लूटने भी नहीं देते, तभी सारे लूट लें दो। बड़ी मुश्किल से पेटियाँ डाली है, लूटने दो मेरे को। यहाँ पे बंदे यहाँ ग्लिच ग्लिच हो जाते हैं खुद ब खुद, और यहाँ पे उनकी गलती भी ना होती। ये ऐसा कोई ग्लिच नहीं है शायद कि जो करा जा सके, ये खुद ब खुद हो जाता है कभी भी। खैर कोई बात नहीं, देखो इसी के साथ यहाँ से चलते हैं। 19 किल हो चुके हैं, 19 किल लपेट के मैं चल दिया। यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे एक बंदा कैंप कर रहा था, उसे पहले हटाओ, उसे हटाओ। पढ़ते हैं असली असली फाइट में, ब्रिज की फाइट में। ब्रिज पे जो लड़ाई होगी मजा आने वाला है, बहुतों की पेटी डलेंगी, बहुत रोएंगे यहाँ पे, मजा लेकिन बहुत आएगा। यहाँ पे मैं पहुंच गया आगे पे, और आगे लगा पड़ा ब्रिज कैंप। अब देखो ब्रिज कैंप है ठीक है, लेकिन ज्यादा काम नहीं आएगा। मैं लेटता हूँ इधर। दोनों की चोरी कर दी। यहाँ पे आगे वाले स्प्रे दे दे के कार से गिरा देते, बहुत ही बेहतरीन स्प्रे देते, दोनों को कार से गिरा दिया। मैं बैठा यहाँ पीछे, मैंने बोला भाई ये क्या हो रहा है, कार से तो मैं गिराने वाला था लेकिन सस्ते स्प्रे से क्या पता ना गिरते। मैं देखता हूँ बंदे पड़े नौ, मैंने बोला यही टाइम है भैया, चुरा दो किल। दोनों किल चुरा दी, दो बंदे थे कार में, दोनों को पीछे से किल चोरी कर दी। मजा ही आ गया, और ये आ गया पीछे कोई। अब यहाँ पे हल्का सा डैमेज देके उसे मैं डरा देता हूँ, भाग जाएगा जा, डर जा। वो होता रहे ऐसे दिखाते कि यार कोई आ गया जा रहा, और तो सू करके भगा रहे, दिखाते क्या ये तो असल जिंदगी में होता है। वैसे सीन मैंने कर दिया कि यार जाओ यहाँ से, अभी परेशान मत करो, जाओ। इसको भगा दिया फिलहाल के लिए, क्योंकि मेरे पंखे हैं आगे, असली असली पंखे हैं आगे, लेकिन पीछे वालों से भी इसी टाइम पे पंखे होने वाले हैं। देखो ब्रिज कैंप इन्होंने किया था, लेकिन ब्रिज कैंप मेरा होने वाला है, मतलब मैं करने वाला हूँ यहाँ पे। और ये एक को दबोचे में ले लिया, यही टाइम था ही करने का। एक को पकड़ा है, अभी पूरी टोली है भाई, पूरी टोली। और ये नंगू आदमी क्या कर रहा है, देखो नंगू है, बेशरम है ठीक है, लेकिन इतने बेशरम भी मत बनो कि तीन बंदों पे रस कर गए। और ये पीछे बाढ़ था, उसे हटाओ। ये नंगा बंदा चाहता क्या था भाई, बिल्कुल यहाँ से छलांग वगैरह लगाता है और हम पे सीधा चढ़ गया सीधा। अरे करना क्या चाहते हो भाई, उसकी डाली पेटी बाकियों की बारी। अब ये लोग यहाँ पे हम पे नेट कर रहे होते हैं, ये बैठे बड़े, ये जो टूटी वैन है और ये जो शील्ड लगी बड़ी, इसके पीछे बैठे हैं। अभी देखो नेट नूट दबा दबाते हैं, और मेरे टीममेट को देखो कहाँ पे चढ़ा बैठा था, अभी पीछे आग लग जाती, लेकिन भाई टाइम पे उतर जाते हैं। खैर अभी देखो ये जो शील्ड है इसी के पीछे, ये डाली आग, लेकिन ये आग से शील्ड ना टूटती। और यहाँ पे कोई खुद के नेट से नॉक हो गया, लेकिन ये देखो तुम्हारे भाई की आग काम करी गई। अब कुछ लोग बोल रहे होंगे तो क्या हो गए वो, अरे मैंने गिन के डाला था कि आग यहाँ पे डालूंगा तो इस टाइम पे बंदा फटेगा, आई क्यों गेम प्ले ठीक है नहीं था। अब यहाँ पे पंगे देख के ब्रिज कैंप करना मैं नहीं चाहता था, लेकिन गलती से हो जाता है। ये डाली एक की पेटी, बाकी वही है। और इसी के साथ तुम्हारे भाई ने खुद ब्रिंज कैंप लगा दिया। ब्रिंज कैंप नाक से क्यों बोल रहा हूं मैं, पता नहीं क्या हो रहा है, जुकाम हो गया साथ। क्या वॉट आउट, यहाँ पे देखो मैं आया था ब्रिज कैंप तोड़ने, देखते देखते मैंने ब्रिज कैंप लगा दिया, मतलब कुछ भी सीन चल रहा है, जो करना ना चाहो वो हो गया, गलती से हो गया, लेकिन देखो अपना फायदा हो जाता है, मजा आ गया। ये ब्रिज कैंप वालों को पहला पहले, उसके बाद उन्हीं की जगह पे ब्रिज कैंप लगा के कैंप कर भी दिया, बाकी बंदों को भी पेल दिया। तीन बंदे आए थे गड्डी लेके, तीनों की बिल्कुल पकड़ के पेटी लगाई, मजा आ गया। और यहाँ पे हमारे भाई ये देखो ये क्या कर रहा है, इमोट बाजी कर रहे होते हैं। हम लोग जा रहे हैं ऐसे बग्गी से, ये है बहुत ही ज्यादा रिसक से भरा। और देखो अब ये डालते हैं हम इसकी पेटी, इतने में ही देखो मेरे को पता था यहाँ पे रुकना बहुत ज्यादा गलत है, बहुत ज्यादा गलत है, ये नॉक हुआ था और गड़बड़ हो गई। एम के ऑटो पे डैमेज दिया है, पीछे से भी बंदे,
अब यहाँ पे देखो, मेरे को पक्का नहीं पता आवाज आई होगी कि नहीं, लेकिन एक बंदा एमजी चला रहा है पीछे से। यहाँ पे हम बहुत ज्यादा बुरी तरह से फंस चुके हैं, दोनों तरफ से ड्रॉप की गन, आगे से एमजी पीछे से एमके, दोनों खतरनाक चला रहे हैं। लेकिन तुम्हारा भाई अरे M4 से संभालेगा, फिलहाल तो कुछ नहीं संभाल रहा है। शील्ड भी मैंने तोड़ दी लेकिन कद्दू कुछ ना उखड़ा, अरे बंदा भाग चुका था वहां से, शील्ड लगा के पीछे भाग गया, मेरा बेकूफ कट गया इधर। कह रहे को M4 की एमओ मेरे पे कम हो गई थी, M4 की एमओ उठाता हूँ और पीछे देखना पड़ेगा ये बैठे कहाँ है, क्योंकि ये बैठे नहीं है, ये लेटे हैं, तो इनको देख के पेलना पड़ेगा। मैं वही देख रहा होता हूँ कहाँ पर है बंदे भाई और ये चला कहाँ से रहा है। दूसरे को पकड़ने जाने वाला था मैं, हमारे भाई ने रोक कर दिया और ये गया एमके वाला भी, और इसके साथ पता चलता है सारे के सारे एक ही टीम के थे। देख रहे हो मतलब आगे से घेरा है, पीछे से घेरा है और इसी के साथ सारे ढिल गए। मजा आ गया, ये एमके बहुत चला रहा था, पीछे से बैठ गया, बेटा ये एमके कहीं और चला रहा, M4 से काम हो गया। 32 किलो चुके, मजा आ गया। कितने बंदे बाकी, दो बंदे और जरा पेल दो, कितने किलो जाएंगे, हो जाएंगे 34 के लिए, मजा आने वाला है। यहाँ पे आखिरी बंदा, आखिरी तो नहीं, एक बंदा हमारे भाई को दिख जाता है। मैं बोलता हूँ ठीक है यार पेल देंगे, दिक्कत की क्या बात है, आराम से चलो अपना गेम है, और अपने पे कार भी ना है तो पक्का नहीं पता मेरे को अपना गेम है कि नहीं, पक्का नहीं पता, गड़बड़ हो गई, खत्म खत्म है, पेटी डल गए हमारे भाई की। अब ये यहाँ पे डिराव शॉट देता है पेड़ के पीछे बैठ के, सारे तरीके के शॉट इसने ट्राई कर लिए। खैर कोई बात नहीं, देखो हमारे एक भाई की पेटी डल चुकी थी यार, इतने जल्दी क्यों रस कर रहे हो, अपने दूसरे टीमेट को मैं बचा तो लेता हूँ। देखो चोर रहने वाला है और सबोक डालना पड़ा, क्योंकि भैया सबोक का कोई भरोसा ना है, कौन कहाँ से आके पीछे से डस दे कुछ ना पता, और वैसे भी ये आखिरी बंदा सांप ही बना होगा। मेरे को यहाँ से भागते हुए दिख जाते, देखो पेड़ के पीछे कुछ दिखता है, मेरे को लगा यार ये पेटी है, बंदा है, और बंदा निकलता है बैरल से पेलेंगे, और इसी के साथ बैरल चेक्स के स्प्रे के साथ, ठीक है इतना खास नहीं था लेकिन पेटी डल जाती है, बैरल की पेटी बराबर चमकाता हूँ मैं। और ये देखो क्या लग रहा है, मतलब पोसाइडन के ऊपर ये मास्क पहना पड़ा है, ठीक है बुरा नहीं है। और इसी के साथ 34 किल चिकन डिनर, आज की इस वीडियो में इतना ही, ज्यादा जाता है वीडियो पे एक लाइक, ठोकना मत भूलना, और अगर आप यहाँ पे नए हो और इंतजार किस बात का, ये क्या बात हो गई, ठोको सब्सक्राइब, कल मिलते हैं, ये पेटी क्या घूम रही है भाई, मजा आ गया, बाय बाय।